अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस सवाल के बारे में बात करने वाले हैं वो सबके जहन में कॉमन सवाल होता है। वो सवाल कौन सा है कि YouTube पे चैनल क्रिएट तो कर लिया लेकिन अब पहली वीडियो दिमाग में आ नहीं रहा कौन सी अपलोड की जाए। अगर व्लॉगिंग करनी है तो कौन सा मैं ऐसा व्लॉग अपलोड करूँ कि लोग पहली वीडियो देख के मुतासर हो जाए, लाखों व्यूज आ जाए। अगर मैं टेक का बंदा हूँ तो मैं कौन सी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ कि थर थली मार जाए एक बार। तो ऐसा कभी नहीं होता। अपने वीडियो एंड तक देखनी है, इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। बन जाते यार, आपने एंड तक वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो हम अपनी बात शुरू करते हैं। टाइम ज़ाया किए बिना आपने वीडियो को कट नहीं करना, ये बात ध्यान रख लें। एक मिसाल दे के आपको बात समझाने की कोशिश करूँगा, अगर आपकी तवज्जो सारी इस तरफ है तो। यार एक बंदा है, उसने अपना एक बल्ब अब लगा लें, मार्केट में इंड्यूस करवाना है। वो जाएगा बताएगा कि इस जो मेरा ये बल्ब है ना, इतने ल्यूमेंस का है, इतने वाट का है, इतनी एनर्जी सेविंग करता है, इतनी जगह में रोशनी देता है, इसके फ़ायदे बता दिए। नुकसान क्या है, एक साल के बाद ज़ाया। अक्सर ऐसे ही देखा है, एक साल की गारंटी होती है, दो चार माह बाद वो डेड हो जाता है। आप सिर्फ फ़ायदों की तरफ आए, नुकसान की तरफ अभी हमने नहीं जाना। आपने चैनल क्रिएट कर लिए, अब आपने जो चैनल क्रिएट किया है ना, इससे किसी बंदे को फ़ायदा तो हो ना। वो कौन सी चीज़ आप ऐसी अपलोड करें कि अगला बंदा आपसे मुतासर हो, कौन सी ऐसी ट्रिक हो कि अगले बंदा समझे नहीं यार बंदे में दम है, इसके चैनल में, इसके कंटेंट में। तो ऐसा कौन सा आप कंटेंट पेश करें, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने ना जो अपनी पहली वीडियो है, हमने तो यही ना अपने पहली वीडियो कौन सा अपलोड करनी, जो पहली वीडियो वो आपने देनी है अपना इंट्रोडक्शन। कि एग्जाम्पल दे लें कि मेरा नाम एहतिशाम रियाज है, तो कट फिर करना है शुरू। एग्जाम्पल मैं आपको अपनी देता हूँ कि मेरा नाम एहतिशाम रियाज है, मैं फैसलाबाद का रहायशी हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा जो मैंने ये चैनल क्रिएट किया है, इसमें मैं टेक्निकल के मतलब जितनी भी अपडेट्स होंगी वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इसी तरह आपने भी, अगर आप व्लॉगिंग के हैं तो आपने व्लॉगिंग लगा देना। इसके अलावा एनीवन जो भी हो, ठीक है, आपने मतलब अपलोड कर देनी है। और एक बात याद रखनी कि किसी भी बंदा है, कोई भी बंदा है, उसका जो स्टाइल है वो आपने कॉपी नहीं करना। कल को वो अपना स्टाइल चेंज कर ले तो आप भी करेंगे स्टाइल चेंज, नहीं, आपने अपना स्टाइल बनाना है। तो इसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा होता है आपको भी और आपके देखने वालों को भी। वो आपके अंदाज से समझ जाते हैं कि ये बंदे की वीडियो कोई बंदा कॉपी कर रहा है। तो ये बात अपने जहन में रखनी है। एक छोटी सी वीडियो थी ताकि मतलब मैं आपको काफ़ी दिनों में जहन में थी कि इस पर एक वीडियो नहीं चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। उतनी देर के लिए दे मुझे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।